वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई वीडियो। जैसे वीडियो का टाइटल है, बीजेपी क्यों हार गई वेस्ट बंगाल में, शायद किसी को पता नहीं होगा क्यों हार गई। मुझे पता चला, हारने के बाद में पता चला क्यों, क्योंकि वही होना था। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यही होना था, वो अब कैसे पता चला कि यही होना था। बिना बंगाल में पैर रखे, मैं तो यूएसए से बना रहा हूँ, तो मैं तो बिना इंडिया में पैर रखे रिपब्लिक चैनल, जी न्यूज, इंडिया टीवी, फिर जो भी मोदी साहब की मीडिया है, तो सबके अंदाजे से मैंने भी मान लिया कि भाई इस बार तो अपने जीत गए। बेसिकली मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, मोदी जी पसंद है मुझे। यही होना था वो इसलिए कि देखिए, पब्लिक जो है ना वो बुद्धू नहीं है, वो ग्राउंड लेवल पे काम देखती है, तो ग्राउंड लेवल पे काम अच्छा होगा, इसीलिए ममता जीत गई और इसीलिए दिल्ली में केजरीवाल भी जीत रहा है। दूसरा, मोदी जी से मैं प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी, इसीलिए तकलीफ बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की तकलीफ क्या है। एक चीज आप मान लो कि 2000 गुजरात में जब मोदी जी आए, और 2002 के बाद में मेरा, तब मैं इंडिया में था, तो गुजरात के बाहर भी जाना रहता था बहुत जगह पे, तो वहाँ पे मुझे बोल रहे थे लोग कि भाई वहाँ तो कत्लेआम चल रहा है, भाई मुसलमान खुले में ऐसे घूम नहीं सकता, शाम को 7 बजे के बाद घूम नहीं सकता। ये 2004-2005 की बात है, सब 2002 में ही शांत हो गया था, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मीडिया ने इतना हाइप फैला दिया था कि भाई मुसलमानों के साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है, कत्लेआम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने उनके साथ लिटरली मेरी डिबेट होती थी, नहीं ऐसा नहीं, उसने बोला न्यूज़ में तो वही दिखाते हैं। मैंने बोला वो गलत है भाई, मोदी जी ये काम कर रहे हैं, मोदी जी वो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, गुजरात बहुत आगे बढ़ रहा है और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2010 में जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ यार, गुजरात तो एक मॉडल है पूरा पूरे इंडिया में, और सच में यहाँ पे काम मोदी जी ने अच्छे किए हैं, ऐसा किया है, वैसा किया। तो ये काम हम लोगों ने दूसरे लोगों को बताया, उससे ज्यादा मीडिया ने बताया कि नहीं काम हुआ है, कैसे भी बताया हो आपको सब कैसे काम करते मीडिया, क्या आप तो स्मार्ट हो, आपको सब पता है, कैसे बताया होगा मीडिया ने भी। सच बताने के लिए भी क्या करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मोदी जी से तकलीफ ये है कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने ना, तो उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया था, किसी को याद हो, नो रिपीट फॉर्मूला। यानी उस वक्त एक भी टिकट उनको नहीं बटी थी जो ऑलरेडी नेता थे, ऑलमोस्ट 95% जो नेता थे वो सारे के सारे नए थे, उन्होंने पूरा नहीं। ये मैनेजमेंट का उसूल आप जान लो, अगर कोई आपको मैनेजर के तौर पे किसी कंपनी में बुला रहा है बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है पता है, सही गलत कुछ मत सोचो। जो भी पुराना मैनेजर, जिस पुराने मैनेजर को आप रिप्लेस कर रहे हो, उस पुराने मैनेजर के पालतू कुत्ते को निकाल दो आप, वो अच्छा है बुरा है ये सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको कोऑपरेट करने वाला नहीं है, ये 100% श्योर है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ, कोई एक आध दो एम्प्लॉइज ऐसे हो सकते हैं कि जो बॉस को पसंद हो और उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, आप रियलाइज कर रहे हो भाई उसको, इसको मैं नहीं निकाल सकता, ये बॉस को भी पसंद है और पुराने मैनेजर का पालतू कुत्ता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, साइड ट्रैक कर देना चाहिए, उनको काम कम कर दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दो। वो आए, ये प्रोफेशनल, गंदा सच है लेकिन प्रोफेशनल सच है, लोग करते हैं, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ और मुझे कोई उसमें ऐसा जो है वो है। तो उससे पहले उसको निकाल, उस तरीके से उसको खुद को इंसल्ट फील करवा के अभी मैं आई एम यूजलेस इन द कंपनी,
अगर उसकी इच्छा होगी तो छोड़ के चला जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो आपके साथ मिल जाएगा, जो भी होगा, लेकिन वो आपके साथ होगा या कंपनी के बाहर होगा। तो मोदी जी ने भी ऐसा ही किया है। अभी ये स्ट्रेटेजी एक मैनेजर जब होता है ना उसके लिए सही, एक मैनेजर कोई बनता है ना उसके लिए सही है, एक स्टेट के लिए ये सब सही है। और मोदी जी ने काबिलियत थी, सब कुछ है, काबिलियत है, सब कुछ है, तो उन्होंने पूरा गुजरात को मॉडल बना दिया। और गुजरात राज्य जैसा मैं बहुत सारे राज्य में घूमा हूँ, गुजरात जैसा एक भी नहीं है, एक भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, रोड से लेके सब कुछ। तो उसमें मोदी का साथ है, लोगों का मोदी में विश्वास है, तो मोदी जी ने वो पूरा कर दिया। अभी बात आती है, आप जब सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर बनते हो, यानी आप सीईओ बन रहे हो, सुपर सीईओ बन रहे हो, या जो भी पोस्ट है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, जिसके अंदर आपके पास 10 सीईओ है। अभी वो जो 10 सीईओ है उनको मैनेज करने का तरीका पूरा अलग होता है। उसमें ये नहीं चलेगा कि सबको बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, ये तरीका नहीं चलता। क्योंकि एक जब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसी के पार्टी के बाकी के चीफ मिनिस्टर्स को उनको मैनेज करना है तो बहुत ध्यान रख के करना होता है, क्योंकि उनको भी ये सारी टैक्टिक्स पता होती है। वो आपके लेवल के ही थे एक वक्त में, आपकी कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज के कारण आप ऊपर जा रहे हो, लेकिन ये बेसिक एबिलिटीज तो उनमें भी होती है, तो वहां पे सीन अलग हो जाता है। बंगाल में क्या हुआ कि योगी जी गए, बहुत अच्छा भाषण किया, अमित शाह गए, बहुत अच्छा भाषण किया, मोदी जी गए, बहुत अच्छा भाषण किया, लेकिन जब तक बंगाली बोलने वाला बहुत अच्छा भाषण करे, लोगों को टच करे ना करे, तब तक कुछ नहीं होता। सो लोकल लैंग्वेज जानना और ग्राउंड लेवल पे लोगों पे पकड़ होना वो बहुत जरूरी है। अमित शाह जी को बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि कौन बन रहा है चीफ मिनिस्टर, कौन है आपका कैंडिडेट, धरती पुत्र होगा, दैट इज नॉट द आंसर। मैं आपको दिखा दूं कहीं पे खुले ग्राउंड में, अरे यहाँ पे तो अपना महल होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये कलर होगा, वो कलर होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे ही हाथ हिला के दिखा रहा हूँ, देखो वहां पे महल का गुंबज होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन जब तक एक्चुअल महल का प्रोजेक्ट तस्वीर में लोगों को नहीं दिखाऊंगा, तब तक लोगों को चेहरा दिखना चाहिए कि ये है जो ममता बनर्जी को रिप्लेस करने वाली है या रिप्लेस करने वाला है, ये है। और दूसरी मोदी जी की जो वही पुरानी टैक्टिक्स है कि भाई ऐसे आदमी को मत रखो जो अपने को ओवरकम कर ले। भाई ओवरकम तो हर कोई ट्राई करेगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको कैसे कंट्रोल करना है ओवरकम करने वालों को, तो उसकी टैक्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, और मोदी जी में है कहीं पे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें जा रहा है या आ नहीं रहा है, जो भी मुझे पता नहीं क्या है, तो वो हो रहा है। अभी जैसे गुजरात है, रूपाणी जी को रखा है सिग्नेचर करने के लिए, भाई भाई यहाँ पे साइन करो, वो जंजीर का डायलॉग है, भाई साइन करोगे कि नहीं, मोदी जी को पूछने की जरूरत नहीं। अभी रूपाणी तो ऐसा है, मुझे डाउट होता है कि उसको साइन करना भी आता है या नहीं। गुजरात के लोगों ने भरोसा करके मोदी जी और उनको वहां तक पहुंचा दिया, और मोदी जी ने उनको रूपाणी दिया, उनको और कोई एक अक्लमंद अच्छा खासा कोई जानकार आदमी मिला ही नहीं पूरे गुजरात में, रूपाणी, रियली। फेसबुक पे मेरे 10 से 15 दोस्त में लाके खड़ा कर दूं कि जो सच में इंटेलिजेंट है, जिनके पास एक जज्बा है, और वो कभी भी मोदी को ओवरकम करने की सोचेंगे नहीं, और वो अपना काम करते जाएंगे। इंटेलिजेंट लोग है, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, 10 से 15 दोस्त है मेरे। तो ये सही नहीं है, आपको एक चेहरा चाहिए। मोदी जी तो हर जगह चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, या योगी जी भी नहीं बन सकते, फडणवीस भी नहीं बन सकते। आप एक चीज सोचो, भाजपा के अच्छे चीफ मिनिस्टर के नाम दिखा दो मुझे, फडणवीस, योगी जी, अपने मामा जी मध्य प्रदेश वाले,
कहाँ है और क्या है? तो क्या भाजप इतनी बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे इतने सारे कार्यकर्ता है, तो क्या एक ढंग का चीफ मिनिस्टर या एक ढंग का चेहरा नहीं है इनके पास? इन्होंने बंगाल बंगाल के लिए सारे प्रिपेरेशन कर ली, तो क्या एक चेहरा तैयार नहीं कर पाए ये लोग? भाई मैं मानता हूं मोदी जी में मेरे से ज्यादा अकल है, नहीं तो मैं वहां पे होता और वो यहाँ पे वीडियो बना रहे होते, लेकिन जितनी मेरी अकल चल रही है इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। लोगों को एक चेहरा चाहिए, लोगों को, लोग आपको तभी देखेंगे। रूपानी को नेक्स्ट टाइम रख देंगे, वही जीतने वाला है। भाई गुजरात के लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, रूपानी जी के लिए कुछ भी नहीं है। कोई अगर मुझे बोले पड़ोस के स्टेट ही देख लो, भाई रूपानी जी से मैं तो मानता हूं कि ये राजस्थान में अपने कौन है चीफ मिनिस्टर कांग्रेस वाला, शिट नाम भूल गया मैं, दिमाग में था, जो भी है वो सही है। अरे मैं तो उद्धव ठाकरे को सही मानता हूँ, रूपाणी जी से वो ज्यादा अकल वाला है, जैसा भी पप्पू बुद्धू जो भी है। मैं खुद पप्पू को भी रूपाणी से ज्यादा अकलमंद मानता हूँ, राहुल गांधी भी रूपाणी से ज्यादा अकलमंद। ठीक है, यहाँ पे बंगाल की बात हो रही है। ममता ने सब कुछ किया है भाई, पोलराइजेशन किया है मुसलमानों का, सब कुछ किया है, हिंदुओं को वो किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम किया है। केजरीवाल भी दिल्ली में अच्छा काम कर ही रहा होगा, लोग बुद्धू नहीं होते, बिजली पानी मुफ्त करने से ऐसे ही नहीं जिता देते। दिल्ली में जो हुआ है वही बंगाल में हुआ है, चेहरा ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है बीजेपी के पास। स्मृति ईरानी, आई रिस्पेक्ट दैट लेडी, आई रिस्पेक्ट अ लॉट। वो सुषमा स्वराज है इस जमाने की, भाई है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। आरएसएस से कोई उठा लो, अरे सुधांशु त्रिवेदी है, फिर एक दूसरा भी एक स्पोक पर्सन है आरएसएस का, जेएनयू में प्रोफेसर है, वो भी सुधांशु त्रिवेदी के साथ, वो भी बहुत अच्छा है। आनंद रंगनाथन को ले आओ, ढेर सारे है यार, वी नीड दिस पीपल। हम लोग उनको मीडिया में दिखना नहीं चाहते और मीडिया से हमें जाट फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे चेहरे ले आओ, आईटी सेल, आपके आईटी सेल का काम हम लोग कर लेंगे भाई, फ्री में, फोकट में। भाई आपके आईटी सेल हमको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने दिल से बोल रहे हैं और हम अपने दिल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस यही है, लोगों को दोष देने का मतलब नहीं है कि भाई दिल्ली में लोग बिजली, मुफ्त बिजली पानी में चले गए, या ममता ने तो ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, बंगाल के लोग तो ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई, ये तो मैं मानता हूँ, इंटेलेक्चुअल तो ज्यादा है अपने से, और मार्जिन तो देखो आप। तो क्या ये इसके बावजूद ये ऐसा हुआ? नहीं, ममता बनर्जी ने काम अच्छा ही किया होगा, ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर, ममता वर्सेस हु? मोदी, मोदी जी तो सेंट्रल में बैठे, तो कौन? तो इन चीज को, इनको चीफ मिनिस्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, वो ओवरकम ना करे, और मान लो ओवरकम करे, भाई मोदी जी से कोई अच्छा है, मैं तो एक स्वार्थी देशभक्त हूँ भाई, मोदी जी से कोई अच्छा आ जाए तो मैं तो उसको सपोर्ट करूँ। जो नेता कैसे पलट जाते हैं, मैं भी पलट जाऊंगा भाई, ये मेरा हक है भाई। नेता पलट जाते हैं तो मेरा भी हक है कि भाई मोदी जी से अच्छा करने वाला, कोई देश के लिए अच्छा करने वाला है, कोई भी पार्टी का हो भाई, फिर ऐसा भी नहीं बात, बीजेपी कोई भी पार्टी का, मैं तो पलट जाऊं, मैं तो उसको सपोर्ट करूं। मैंने कोई एग्रीमेंट थोड़ी किया किसी के साथ, मैंने तो अपने देश के साथ एग्रीमेंट किया है दिल से, कि भाई जो मेरे देश का अच्छा करेगा मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। तो बस फिलहाल तो अपना सद्भाग्य है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि ना उनका कोई ऑप्शन है और ना मोदी जी ऑप्शन ढूंढ पा रहे हैं। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, बाकी तो योगी जी, अमित शाह, फडणवीस, तेजस्वी सूर्या, स्मृति ईरानी, सुधांशु जी, यार दिग्गज है, क्वालिटी क्वालिटी लोग हैं। लेकिन अपने जितने भी स्टेट है 24-25, तो हमें और 24-25 ऐसे लोग चाहिए, तभी मेरे हिसाब से अच्छा देश का एक सही भविष्य होने वाला है। तो दोस्तों यहीं से मैं आपको विदा लेता हूं,
ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने देश को बचाने के लिए मोदी जी को वोट करिए, मोदी जी को देख के वोट करिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वहाँ के लोगों को अच्छा लगा। तो और मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।